नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने ऐलान किया था COVID-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत देश में गरीब जनता को, गरीबी रेखा वाली जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें 3 महीने मुफ्त में राशन दिया जाएगा। लेकिन इस बीच मुमरा कौसा में कई राशन कार्ड धारकों ने सिविलियन फाउंडेशन की टीम को शिकायत की थी, जिसको लेकर पिछले 1.5 महीने से टीम राशन दुकानदारों को लेकर व आम जनता की समस्याओं को लेकर काम कर रही है। उसमें एक दुकानदार की शिकायत आने के बाद उस पर उस टीम ने रिसर्च कर रहे थे, जांच कर रहे थे। इस टीम ने जांच पड़ताल की, जिसमें एनजीओ ने पाया गैर फायदा उठाते हुए दुकानदार। उस दुकानदार की शिकायत की, जिसके बाद अलमास कॉलोनी के अंदर रुखसाना बीबी जाकिर हुसैन जो राशन दुकानदार, इनकी लाइसेंस रद्द करा दी है, यानी उन पर कार्रवाई किया गया है, प्रशासन ने कार्रवाई की है। किस तरह से कुछ राशन दुकानदार मुमरा कौसा में राशन धारकों को परेशान करते हैं, कैसे चीटिंग करते हैं, हम वो आपको आगे सुनाते हैं। और मुमरा कौसा में किस तरह से पिछले 1.5 महीने से इस गंभीर विषय पर एनजीओ काम कर रही है, जिसका राशन दुकानदारों की चेकिंग कर रही है। आखिर गरीबों का राशन सरकार की तरफ से आया है, उन्हें जो राशन कार्ड धारक हैं, जो गरीबी रेखा वाले जो धारक हैं, उन्हें कितना दिया जा रहा है। और आप लोगों को ये बात सुनने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, आखिर कैसे लोगों को राशन कम दिया जा रहा है। राशन कम देने की कई लोगों ने शिकायत किया है, किस टेक्निक के तहत गरीबों को राशन कम करके दिया जा रहा है और किस टेक्निक के जरिए, या यूं कहें कैसे आप पता कर सकते हैं आपका राशन कितना आया है और आपको कितना मिला है, और कैसे उस दुकानदार की शिकायत उस उच्च अधिकारी के पास कर सकते हैं। इस गंभीर विषय पर पिछले 1.5 महीने से काम कर रही है एनजीओ, और उन लोगों का नाम बता रहे हैं जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। एफएम इलियास एडवोकेट अब्दुल कबीर चौधरी और मौलाना इसरार अहमद, जहांगीर श्रुति मोहम्मद शेख शारिक शेख और डॉक्टर शफी, इन लोगों ने जांच कर रहे थे, पड़ताल कर रहे थे, आखिर लोगों को कितना और कैसे राशन दिया जा रहा है। हम आपको सुनाते हैं, पहले आप सुनिए एफएम इलियास और एडवोकेट अब्दुल कबीर चौधरी ने क्या जानकारी दी है। एफएम भाई, जो है आप लोग पिछले 1.5 महीने से बता रहे हैं, एनजीओ जो भी आपकी टीम है, आपकी टीम ने 1.5 महीने से राशन के जो दुकानदार है उनको लेकर जो है काफ़ी चिंतित थे आप लोग, जो है काफ़ी आपने रिसर्च किए, किन किन दुकानों पर आप गए थे और कौन सा एक दुकान जो है आपने उसको बंद भी कराया है, जो है वो पूरा आप जो है बताइए। सबसे पहले जो है इस मुहिम में हमको जो परमिशन दिए जितेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का मैं मशहूर हूँ कि उन्होंने हमको इसकी पूरी रेशनिंग की दुकानों के लिए जो हमारे को जिम्मेदारी दी। दूसरी चीज़, मैं उनका भी मशहूर हूँ, सीनियर साहब का, थोरा साहब का जो इस मुहिम में शामिल है, और मैं उनका भी मशहूर हूँ, रेशनिंग ऑफिसर तांबे साहब का, वो भी इस मुहिम में शामिल थे। हम लोगों ने मिलके जो है एक मुहिम बनाई, और मुहिम के तहत हमने देखा कि रेशनिंग ऑफिस में या रेशनिंग दुकानों में जो धांधलियाँ चल रही थी उसको रोकने के लिए अवार्ड साहब ने मुझे कहा था कि भाई जितना भी हो सके ये 3 महीने में कम से कम गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, मजबूर लोगों को जो है इनके एक भी दाने की चोरी ना हो, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा सख्ती बरतें। तो इस मुहिम को चला रहे, उनके आदेश के ऊपर ही मैं ऐसा मुहिम चलवा रहा हूँ, क्योंकि दुकानदार क्या होता था कि बायोमेट्रिक के जरिए जो है लोगों को बेवकूफ बनाता था अब तक, कि वो बायोमेट्रिक की, अभी ये जो अप्रैल के महीने में जो बायोमेट्रिक का जो सरकार ने जो है उन्हें एक आदेश दिया है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है थम लगाने का जो है उनको डीलर को पूरा के पूरा ऑथराइज किया था, ताकि कोरोना वायरस फैले नहीं, इसके वजह से फ्री के राइस में भी और जो पैसे से मिलता है उस राइस के लिए भी जो है कि डीलर को ही उन्होंने अपने थम देने के लिए जो है कहा था, कि बाकी लोगों को जो पहले, इसके पहले जो लोगों को रेशन मिलता था वो अपना थम लगाने के बाद ही मिलता था, लेकिन चूंकि अभी ये वायरस की वजह से सरकार ने जो है इनको ऑथराइज किया था कि डीलर अपना खुद थम लगावे और उनको रेशन दे। अब होता ऐसा था कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनके अकाउंट में कितना है, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना के अंतर्गत जो है ये 5 किलो एक आदमी को दिया जाता था। जैसे अगर रेशन में कार्ड में अगर 5 लोग है तो उसका 25 किलो होता था, लेकिन ये लोगों ने किसी को 5 किलो किया, किसी को 10 किलो दिया, चूंकि लोगों को पता नहीं था तो ये अपने हिसाब से लोगों को देते गए।
अब जब हमने इस ताल्लुक से एक वीडियो बनाया हमने और वायरल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि लोग खुद अपने घरों से अपना रेशन कार्ड लेकर उसके बाकायदा वेबसाइट पर जाकर और वो आरसी मतलब रेशन कार्ड नंबर डाल देते थे, तो उनका जैसे एक बैंक का पासबुक होता है, एक अकाउंट होता है, उस तरीके से वो ओपन हो जाता था और उसमें उनको पता चलता था कि उनके अकाउंट में कितना किलो राइस उनको मिल रहा है। अब वही चीज लेकर वो दुकान पर जाते थे और तमाम उमरा के लगभग जो है 30 दुकानें ऐसी रेशनिंग की जो उमरा कौसा में, हमने लगभग तकरीबन वहाँ पे 35-40 वॉलेंटियर्स हमने वहाँ पे रखे थे ताकि लोगों की जो है उनकी रहनुमाई करे, लोगों को बताए कि किस तरीके से जो है आप वेबसाइट पर जाकर आपका खुद का अकाउंट और आपके रेशनिंग के में कितना किलो आपको फ्री का राइस मिल रहा है वो देखा जा सकता है। उन्होंने दिखाया भी और इसके पहले जब हमने शुरू किया था लगभग उसके पहले रेशन देना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो काफ़ी लोगों की हमने रिकवरी भी करके दी, किसी को 10 किलो दिया था, किसी को 20 किलो दिया था। उसके बाद में लोग आए शिकायतें की जब उन्होंने देखा वेबसाइट में कि उनको 50 मिला और दुकानदार ने 20 किलो दिया है, तो उसकी भी हमने रिकवरी करके दी और लोगों में धीरे धीरे इस चीज़ का अवेयरनेस आना शुरू हो गया। दुकानदार और क्या करता था इसके बाद में, जो पैसे वाला जो देना रहता था उसको, पैसे का जो 2-3 रुपये किलो से जिनको रेगुलर मिलता था, वो उस वक्त में भी वो अपना ही अंगूठा लगाता था, तो उसमें उस अकाउंट में भी जो है वो चोरी करता था, जिसको अगर समझ लो 25 किलो चावल है और 20 किलो गेहूं है तो उसमें भी 10 किलो देता था या 5 किलो देता था। इस तरीके की एक मुसलसल चोरी जो है उसकी 2017 सितंबर को इनको जो है ये मशीन दी गई, वहां से रेगुलर जो है इनका ये सिलसिला चल रहा था और लोगों को पता नहीं होने की वजह से दुकानदारों ने खूब लूटा। लेकिन चूंकि अब ये हालात ऐसी है जो कोरोना वायरस की जो वबा फैली है इसके वजह से जो है लोगों के जो देने वाले जो लोग थे वो भी आज लेने वाले हो गए, लोग कतारों में खड़े हो गए चावल के लिए, तो ऐसे लोगों का इन्होंने ज़्यादा फायदा उठाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसके ऊपर जो हमने वीडियो बना के जो सोशल मीडिया के जरिए जो हमने उसको वायरल किया उसके वजह से काफ़ी लोगों में बेदारी आई और अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 महीने तक हमारी कोशिश पूरी जारी रहेगी कि और भी जिन लोगों तक पहुंचा नहीं है हम उन लोगों तक भी पहुँचाएँगे और इसी तरीका हमारा जो है ये काम इंशाल्लाह जारी रहेगा। और जिन लोगों को भी इस ताल्लुक से शिकायत होगी तो हमने आप लोगों का एक नंबर दे देंगे, बराए करम आप लोगों तक वो नंबर पहुंचाइए, इस जिनके जरिए वो जो है शिकायत भी जो है अपनी दे सकते हैं। जो खाता धारक है जो है वो कैसे पता करेंगे कि मतलब कि उनको 20 किलो चावल मिलेगी, 30 किलो चावल उनको मिलेगी, वो कैसे पता करेंगे, किस ऐप पर जाना पड़ेगा, वो उसके बारे में आप बता दीजिए। तो उसके बारे में जो है एक वेबसाइट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वो हम आपको लिंक दे देते हैं उसमें। तो ये पब्लिक से अपील है, खास करके एक इंफॉर्मेशन देना है, इसके पहले भी हमने ये चलाया है मैसेज और फिर आपके जरिए भी हम बताना चाहते हैं कि लोग अपना राशन कार्ड अपने घर बैठे चेक कर सकते हैं, बिगर चेक किए घर से ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगी, उनके लिए भी अच्छा है और वहाँ भीड़ भी नहीं जमा होगी। एनपीएच और पीएचएच का दो कैटेगरी है, जो एनपीएच है उनको फ्री चावल नहीं मिल रहा है, पीएचएच जिनका लिंक हुआ है उनको फ्री चावल मिल रहा है। और इसको चेक करने के लिए और अपना राशन कार्ड ऑनलाइन चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक है mahaepos.gov.in। इस पे आप जाएं, डायरेक्ट क्लिक करें, ये लिंक से आपका एक इंजन एक पेज खोलेगा, उसमें आरसी नंबर 12 डिजिट का जिसको मिला होगा उसको डालने के बाद आपका राशन कार्ड ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि आपके राशनिंग में आपके पास क्या आया है और क्या चीज के क्या रेट है, पूरा राशन कार्ड आपके पूरे फैमिली मेंबर्स की डिटेल के साथ मिलेगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपको जाना है लेने के लिए और कितना किलो लेना है और किसका लीक हुआ है आधार, किसका नहीं हुआ है, कौन कौन मेंबर्स आपके इसमें अवेलेबल है, मेल फीमेल और किसका कटा है, किसका नाम नहीं कटा है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है दुकानदार बेवकूफ बनाता है, नाम राशन कार्ड में कटा हुआ दिखाता है लेकिन ऑनलाइन वो कटा हुआ नहीं है, तो वो क्या बोलता है भाई इसका तो कट गया नाम, इसका राशन नहीं मिलेगा। आप अपने उस पर जाएं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आवास योजना के तहत अगर आपको पीएचएच कार्ड आप आधार कार्ड लिंक वाले हैं तो आपको कितना किलो चावल मिला है उससे पता चल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ से अभी ये अप्रैल चला गया, जून मई और जून में आपको शायद दाल भी आने वाली है फ्री में, तो ये चीज़ों का खास ध्यान रखें कितना दाल और कितना चावल है वो स्क्रीनशॉट लेकर दें, दुकान वाले से बोले कि भाई मुझे इतना मिलना चाहिए और वो दे।
जो दुकानदार अभी तक जो है आप लोगों ने जिस तरह से काम किया है, एक दुकान जो है आपने सस्पेंड भी करवाया, उसको लाइसेंस कैंसिल करने के लिए आप लोगों की पूरी कोशिश चल रही है, फिलहाल दुकान पे कार्रवाई हुई है, वो कौन सी दुकान है, कहां पर कार्रवाई हुई है और उसमें कितने खाता धारक है और वो उनको राशन अब कहाँ से मिलेगा? अब जो इधर अलमास कॉलोनी में जो है दुकान नंबर 35 रुक्सना बीबी के नाम से ये दुकान है यहाँ पर, जिस पर जो है टोटल कार्ड उनके पास में जो है 2002 है टोटल कार्ड उनके पास में, जिसमें लीक होने वाले जो कार्ड है वो है 1373 कार्ड और नॉन लीक जो है वो 629, मतलब एक टोटल 2002 कार्ड जो है उनके पास में थे और उनके पास में फ्री का राइस जो आया था वो 3220 किलो आया था, जिसमें से हमारे को काफ़ी शिकायतें मिली है कि वहाँ पे उनको मिला नहीं है, जिनको 20 किलो मिलना चाहिए था उनको 5 किलो दिया गया, जिनको 50 मिलना चाहिए था उनको 20 किलो दिया गया, ऐसी काफ़ी शिकायतें उनके पास से हमारे पास में आई और भी इसके अलावा भी टेक्निकली जो है काफ़ी हमने उनकी शिकायत जो रेशनिंग डिपार्टमेंट में जो हमने की, DCR को भी की है और यहाँ पे जो है रेशनिंग ऑफिस में भी की है, थाना में भी की और मुमरा में भी की है, तो उन्होंने जो है सारे दुकानदार ये खास तौर से जो है रुक्साना बीबी जो है यहाँ पे जो जब वो मशीन चलती है तो मशीन से एक चिट निकलती है जिसमें वो बिल होता है, वो किसी को भी नहीं देती थी ताकि उससे पता चलता है कि भाई वो सामने वाले को जो है कितना किलो मिला, तो रिसीट ही नहीं देते थे जबकि गवर्नमेंट के GR के हिसाब से जो है उनको कंपलसरी वो देना चाहिए। दूसरी चीज ऐसी है कि इन्होंने जो है इनको जो जो तांबे साहब जो है हमारे रेशनिंग ऑफिसर, वो हर रोज जो है मुझे पूरा अपडेट भेजते थे दुकान का, तो उनके अपडेट के हिसाब से दिखा के दुकान के ऊपर जीरो बैलेंस दिखा रहा है फ्री का इनका, तो वो जो है जब शिकायतें आ रही है तो जीरो बैलेंस कैसे हो सकता है, तो वो जीरो बैलेंस भी हमारे को थोड़ा सा डाउट किया हमारे, हमने उसकी भी शिकायत की और इनकी जो है शिकायतों में ऐसा रहता था कि इन्होंने जो है एक दिन में जो ना 300 कार्ड पंच किए हुए, जबकि हमने रेशनिंग ऑफिसर से पूछा कि एक दिन में कितने कार्ड हो सकते, तो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 100 कार्ड या 125 कार्ड एक दिन में पंच हो सकते, लेकिन इस दुकान से जो है 300 कार्ड एक दिन में पंच किए गए। इसी के साथ में इस दुकान में और एक जो है बहुत ही मतलब मजेदार बात इन्होंने की है कि सारे कार्ड लगभग बहुत सारे कार्ड सिक्वेंस में है, मतलब जैसे कार्ड का नंबर है 2001 तो उसके बाद में 2002 2003 2004 ऐसे पूरा सीरियल में कार्ड पंच किए हुए, मतलब इन्होंने ये जो है दुकान बंद करने के बाद में आराम से घर में बैठकर ये सारा काम किया हुआ है। उसके बाद में लॉकडाउन के अंदर जो है ना इन्होंने जो पोर्टेबिलिटी का भी काम किया, पोर्टेबिलिटी वो चीज होती है कि नॉर्मल डेज में जब हमारा लॉकडाउन नहीं था तो हर दुकानदार जो है ना पोर्टेबिलिटी कर सकता है, मतलब जैसे बांद्रा का अगर कोई आदमी है मुमरा में आ गया है और उसके पास में अगर 12 डिजिट का नंबर है उसके पास में तो वो उस नंबर से रेशन अपना जो है मुमरा में भी ले सकता है, मुमरा का आदमी जाके पनवेल में भी ले सकता है, तो वो पोर्टेबिलिटी का जो है ऑनलाइन सर्विस जो है सरकार ने दे के रखा। तो मुमरा में लॉकडाउन के दरमियान जो है उल्लासनगर बांद्रा यहाँ से कहाँ कहाँ से लोगों का जो है इनके पास में पंच किया हुआ, हमारे पास में ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि यहाँ पे इन्होंने जो ऐसे भी कार्ड पंच किए हुए जो पोर्टेबिलिटी के जो है जो कि अभी पॉसिबल ही नहीं है ऐसे सूरत हाल में लॉकडाउन में। फिर कुछ हमारे पास में ऐसी भी शिकायत आई कि इन्होंने जो है कुछ जो है डमी कार्डों का भी इस्तेमाल किया है, उसी के साथ में जो है इनके पास में जो है टोटल दुकान मतलब इनकी जो है इनके पास में मुमरा में सबसे ज्यादा कार्ड इनके पास में 2002 कार्ड बोले तो मुमरा में सबसे हाईएस्ट कार्ड इनके पास में जिसमें जो एक्टिव कार्ड है जो है 1373 कार्ड है, जिसमें जो है मतलब मुमरा का सबसे हाईएस्ट होने की वजह से इनको चावल जो बनता है इनका उस कार्ड के हिसाब से लगभग जो है 31,02,020 किलो। अब 31,02,020 किलो अगर चावल मुमरा के लोगों को मिलता है तो मैं समझता हूँ कि काफी लोगों को राहत मिलना चाहिए थी चूंकि नहीं मिली है। तो आपने सुना क्या जानकारी दिया है, ये टीम गरीब जनता के हित में काम कर रही है और अलमास कॉलोनी का एक राशन दुकानदार का लाइसेंस फिलहाल रद्द हुआ है, रद्द हो चुका है, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। इस टीम का मिशन है गरीब जनता को बेवकूफ न बनाया जाए और जितना उनका राशन है उन्हें उतना दिया जाए। हम आपको बता दें ये चेतावनी सिर्फ एक दुकानदार के लिए नहीं है मुमरा कौसा में, बल्कि 30 राशन की दुकानदार हैं, 30 दुकानें हैं जहाँ से गरीब जनता जो गरीबी रेखा वाली जो राशन कार्ड है उन्हें राशन दिया जा रहा है। तो ये सभी के लिए चेतावनी है कि आप लोग जो है सतर्क रहें, सावधान रहें, आप पर भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो उनके जो है राशन आए हैं उन्हें जो है पूरा के पूरा राशन दिया जाए, वरना जो है उन पर भी ये NGO एक्शन लेगी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स।
ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।